नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। इन दिनों लोगों को अपने आधार कार्ड में सुधार कराने के लिए आधार केंद्र में भारी भीड़ से जूझना पड़ रहा है। बैंक, लाडली बहना योजना, स्कॉलर स्कूल आदि इत्यादि कामों में लोगों को अपने आधार में डाटा सुधरवाने की जरूरत पड़ रही है। आधार सेंटर में अधिक संख्या में लोगों को अपने आधार कार्ड सुधरवाने में परेशान होना पड़ रहा है। अचानक बड़ी भीड़ से लोगों को सुबह से शाम तक इंतजार करना पड़ रहा है। कुछ का काम तो एक दिन में भी नहीं हो पा रहा है। वहीं सर्वर, नेट व बिजली के आने जाने से भी आधार केंद्र में व्यवस्था बिगड़ रही है। आधार ऑपरेटर सेवक राम चौकसी ने बताया कि आम जनता साइट से या ऑनलाइन दुकान कैफे से आसानी से 50 रुपए शुल्क देकर भी आधार कार्ड सुधरवा सकती है। आधार कार्ड काहे के लिए सुधारने आए आप लोग, बोलो काय में लग रहा है? अपडेट काय में लग रहा है? बैंक में लग रहा है। अच्छा, बैंक बैंक के काम में? काम के लिए। कहाँ से आए हो? गंगा टोला से। कितने किलोमीटर दूर से आए? 13 किलोमीटर। काम हो रहा है ना? काम कर रहे हैं आधार कार्ड वाले? काम कर रहे हैं ना? साबिर खान की रिपोर्ट।